हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम के। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो आज का जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक की रूटीन। सो एज अ वर्किंग मॉम या फिर एज अ मॉम, मैं कैसे अपना घर जो हूँ वो 2 घंटे में मैनेज करती हूँ, वो खासकर वो 2 घंटे जब वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, मुझे सारे के सारे काम इसी समय करके जाने होते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने अपना जो है 1 कप ल्यूकवॉर्म वाटर जो है वो मेरी डेली रूटीन है पीना। ये नहीं है कि मैं ल्यूकवॉर्म वाटर ही पीती हूँ, कभी कभी मैं अजवाइन वाला पानी भी पीती हूँ। तो इस तरह साविर और मनीष देखो अभी तक सोए हुए हैं, जब तक वो सोए होते हैं ना, मेरे सारे के सारे मैं काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर वो उठ गए तो उसके बाद उनके साथ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने ना कल रात को लॉन्ड्री की थी, तो वो कपड़े मैं लेकर आई हूँ और साथ ही साथ मैंने भगवान जी के जो है भजन लगा दिए हैं। मेरा मानना ये है कि अगर घर में सुबह सुबह भगवान का नाम लिया जाए ना, तो पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसफ़र होती हैं और आपका पूरा दिन जो है ना बहुत अच्छा जाता है। तो इसीलिए हमें पूजा करके या फिर भगवान जी का भजन, एटलीस्ट अगर आपके पूजा का टाइम नहीं है ना, तो ये ज़रूर सुनना चाहिए। और अभी मैं इसके बाद ना सारे के सारे कपड़े तय करके सेट करने के लगी हूँ। यहाँ पर मैंने किचन का काम भी करना शुरू कर दिया, मेरे कपड़े जो हैं वो मैंने सारे के सारे पाइल अप करके रख दिए हैं, शाम को आके सेट करूँगी। किचन का काम ये है कि रात को हम लोगों ने जब बर्तन धोए होते हैं ना, तो उठ के वो मैं सबसे पहले शेल्फ्स में अरेंज करती हूँ, क्योंकि जब मैं स्कूल चली जाती हूँ अदरवाइज ये काम मनीष को करना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को, एंड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये काम करना, बर्तनों को लगाना। तो ही ऑलवेज वॉन्ट्स कि सिंक खाली होना चाहिए, इवन मी टू। शाम को जब स्कूल से आओ तो आपको सारा साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सुबह के भी बर्तन अभी तक पड़े हुए हैं। तो बर्तन सेट हो गए हैं और यहाँ पर अभी मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हमारा जो नाश्ता है ना, वो वेजिटेबल दलिया बन रहा है। हम लोग मीठा दलिया बहुत कम खाना प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों के घर जनरली जो है ना वो वेजिटेबल नमकीन दलिया ही बनता है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी एंड ईजी। तो सुबह सुबह ये बन रहा है और मैं यहाँ पे फ्रिज से सब्जियाँ निकाल रही हूँ चॉपिंग के लिए, और मैंने आटा निकाल के रख दिया हुआ है। आटा मैंने इसीलिए पहले निकाल के रख दिया हुआ है, जो मेरा ऑलरेडी नीडेड आटा है, मैंने जो ऑलरेडी गूंथा हुआ है वो इसलिए निकाल के रखा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले निकाल के रखो ना तो उससे रोटी अच्छी बनती है। एकदम निकालो और बनाना शुरू कर दो ना, मुझे उसकी चपाती मेरी अच्छी नहीं बनती है। वैसे मैं सब्जियाँ रात को ही चॉप करके सो जाती हूँ, बट कल भी हम लोग बहुत बिजी थे, हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रात को सारी सब्जियाँ चॉप करके सोऊँ। इसीलिए मैंने अभी उठकर जो है ना वो कैप्सिकम को चॉप करा है। वैसे हमें हर काम ना कोशिश करनी चाहिए कि रात को ही करके सोएं, क्योंकि सुबह का एक एक मिनट, मेरे को तो ये लगता है कि एक एक मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। तो यहाँ पे मेरा दलिया का तड़का लग गया, इसमें मैंने पीस डाले हैं, आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, वो आलू के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जितनी अच्छी सब्जियाँ आप डाल सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास सब्जी नहीं थी अभी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने जो थी वो डाल दी। एंड मैं यहाँ पर अभी ना करी लीव्स लेकर आई हूँ, कल रात को जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम ग्रॉसरी करने थे, तो बस उन करी लीव्स को जो हूँ मैं अभी जो है सेव करने के लिए, फ्यूचर के लिए उनको सबसे पहले उनको साफ कर रही हूँ, छांट रही हूँ। बहुत लोग करी लीव्स को एज सच भी रख देते हैं और रैप करके रख देते हैं अपना सिपी लॉक के अंदर, लेकिन मैं इनको ना सारे इनके लीव्स को पहले एक एक लीव्स को सेपरेट करती हूँ। बहुत लोग इनको धोते हैं, मैं इनको धो नहीं रही हूँ, इनको सिंपल जो है ना ड्राई करने के लिए रख दिया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी गीली होती है, एंड जब गीली होती है वो ख़राब होने का चांस होता है। तो वैसे तो इस काम को ओवरनाइट करें तो ज़्यादा बेटर है, बट मेरे पास रात को टाइम नहीं था, मैं थक गई थी, इसलिए मैंने सुबह उठ के किया है। अब पूरी दिन जो है ना ये इसी तरह जो है रहेंगी, एंड वंस ये सूख जाए उसके बाद हम इसको टिश्यू के अंदर जो है ना वो रैप करके रख देंगे, इसकी खुशबू, ओ गॉड, सुबह सुबह पूरे घर में इस तरह की खुशबू फैल जाए तो और क्या चाहिए आपको, बिल्कुल नेचुरल सी पत्तों की, जो फ्रेश फ्रेश पत्ते होते हैं ना, बस वैसी वैसी सी खुशबू आ रही है। तो इसको मैं जिपी लॉक के अंदर पैक करूँगी। आप लोग जब भी इसको पैक करें ना, तो कोशिश ये जिपी लॉक में जब आप पैक करें तो सारी एयर उसमें से बाहर निकाल दीजिए पहले, सो दैट कि वो ख़राब होने के चांसेस कम हो। यहाँ पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। रोटी बनाती वक्त ना मैं ये कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ नीचे, ये बात मैंने पहले भी शेयर की थी। जैसे कि मैंने कहा सुबह का टाइम बहुत क्रूशियल होता है, कि एक मिनट सेव करना है, तो गंदा ना हो मेरा जो शेल्फ है, इसीलिए मैं वो जो है ना वहाँ बिछा देती हूँ कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो मनीष मेरे हस्बैंड ने यहाँ लॉग इन जल्दी कर लिया है ऑफिस का, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आज उनकी एक मीटिंग थी, इसीलिए आधे
काम मेरे को ही करने पड़े। तो यहाँ पे बस आविर और मैं जो है ना ब्रश कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये सारा काम मेरे हस्बैंड संभालते हैं, लेकिन क्या करें जब वो बिज़ी है तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो लंच की भी तैयारी हो चुकी है, मैं लंच ही पैक करने लगी हूँ यहाँ पे साविर और अपना। तो लंच मेरा जो है ना वो सब्ज़ी मैंने रात को बनाती थी, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं होता है मेरे पास। समटाइम्स हम लोग रात को दो सब्ज़ी बना के सोते हैं, समटाइम्स एक ही बनाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी ज़रूरत क्या है कल की। तो यहाँ पे लंच पैक हो गया और मेरा ना जो है यहाँ पे फ्रूट भी डल चुके हैं, मेरा और सावी का एप्पल फ्रूट जो है वो कट करके मैंने डाला है। एंड यहाँ नाश्ता भी तैयार हो गया, आप देख सकते हैं दलिया आ चुका है हमारा, तो इसमें मटर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। साविर के साथ नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ मैं उसी को लेके बैठी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वो नहीं तो बच्चों के साथ यही होता है, उनका मन नहीं होता है सुबह सुबह खाने का, तो वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। और मेरे को लगता है कि यहाँ मैं उसके साथ बिठा के उसको खिलाऊँ, क्योंकि फ़र्स्ट मील है जो मैं उसको खिला के घर से भेजती हूँ, एंड अगर मैं उसको छोड़ दूँ ना तो वो नहीं खाएगा, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि अगर खाना छोड़ दे तो मैं उसको बिठा के खिलाऊँ। यहाँ पर मैं ना अपनी किचन को क्लीन कर रही हूँ, हम लोग अभी मैंने करी लीव्स के साथ काम किया, अपना पूरा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, लंच पैक किया, तो मेरी किचन ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। और जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, मेरा लिविंग रूम और मेरी किचन बिल्कुल अटैच्ड है और ओपन किचन है, सो मैं कभी नहीं चाहती कि वो गंदी दिखाई दे, बिकॉज़ अगर घर कोई भी आता है ना तो उसकी नज़र सबसे पहले आपकी किचन में जाएगी। सो दैट्स माई डेली रूटीन है कि मैं काम करने के बाद ना एक बारी मोप करके और ब्रूम करूँगी अपने फर्श को, मोप करूँ ना करूँ बट ब्रूम ज़रूर करती हूँ, झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मैं सुबह लगाऊं चाहे शाम को लगाऊं, सो दैट कि मेरी सुबह की किचन नीट एंड क्लीन रहे, वो मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पे मैंने साथ ही साथ ना मोप करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि चिपचिपाहट आ जाती है किचन में, कुछ ना कुछ गिरता रहता है, हम सभी काम करते हैं, बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, तो इसीलिए सारा मैसी हो जाता है। तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन ही तब मिलती है जब मेरी किचन जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। तो साविर को स्कूल भेजने से पहले ना आजकल हम लोग उसको सनस्क्रीन लगाते हैं, बिकॉज समर्स आ चुकी हैं, समर्स में टैनिंग अवॉइड करने के, टैनिंग भी नहीं कहूँगी, टैनिंग तो नहीं ख़त्म होती है इससे, बट यस यहाँ की रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो उन रेडिएशंस से बचाने के लिए हम साविर को जाने से पहले जो है उसकी लेग्स पे, आर्म्स पे, फेस पे, नेक पे, ऑल जो भी पार्ट्स उसके एक्सपोज है सन के लिए ना, उस पर उसको हम सनस्क्रीन लगा के भेजते हैं, क्योंकि उसको पूरा दिन स्कूल रहना होता है। आई नो वो पूरा दिन की कवरेज नहीं देता है, लेकिन एक टाइम वो स्कूल में जाके लगवा लेता है। यहाँ पे मैं अपने आप के लिए भी सनस्क्रीन लेकर आई हूँ, एंड दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन आई वुड से, आप लोग ज़रूर बाय कीजिए। ये लोटस का सनस्क्रीन है और इसकी मैट फिनिश है, एंड रियली जैसे हमारे दूसरे सनस्क्रीन तो है जिससे ऑयली आ जाता है आपकी स्किन पे, इससे आपकी स्किन पे ऑयली नहीं आएगा, सो ये ज़रूर आप बाय कर सकते हैं, दिस इज़ बेस्ट 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 प्रोडक्ट। एंड स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ, यहाँ पे साविर का आज स्कूल का जो है ना वो लास्ट डे है, सो इसीलिए मुझे था कि मैं टीचर्स के लिए सावी के लिए गिफ्ट भेजूं कुछ भी। इट्स नॉट अबाउट कि किसी को खुश करने के लिए, किसी को कुछ वो करने के लिए, इट्स जस्ट अबाउट उनको अप्रिशिएट करने के लिए। तो मैंने बाथ एंड बॉडी से जो है ना बहुत सारा ये लोशंस एंड शॉवर जेल्स वगैरह लिए हैं, तो उन्हीं को मैं पैक करने लगी हूँ बैग्स के अंदर, सेपरेट बैग्स के अंदर। इसके स्कूल में इसकी क्लास की 3 टीचर्स हैं जिनके लिए मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, एंड सावी मुझे यही कह रहा था कि मम्मा उनका बर्थडे नहीं है, तो उसको मैंने यही समझाया कि हमें टीचर्स को या किसी को भी जो भी आपके लिए कोई काम करता है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ अगर आज से हम बच्चों को सिखाएंगे ना तो उनको हर टाइम किसी को भी थैंक्स करने का तरीका पता होगा, उनको अप्रिशिएट करने का तरीका पता होगा। ये छोटी छोटी ही वैल्यूज़ होती हैं जो बच्चे घर पे या स्कूल से सीखते हैं और जो उनकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में जो है ना उनकी हेल्प करती है, उनको बहुत चीज़ें हम लोग खुद सिखा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें करके। सो बस अभी मैं वही पैक कर रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने खुद से चूज़ किए थे अपने टीचर्स के लिए ये जितने भी हम लोगों ने लोशंस और ये शॉवर जेल्स वगैरह लिए थे ना, और सावी के साथ साथ मैंने अपने लिए भी शॉपिंग कर ली थी। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी लेडी अगर मॉल जा रही है या शॉपिंग करने जा रही है वो अपने लिए ना ले, तो दैट इज़ कहते हैं ना कि कभी ये वाली चीज़ जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो मैंने भी अपने लिए कुछ जो है वो चीज़ें बाय करी थी यहाँ से।
अभी हमारी स्कूल की तैयारी हो गई है जाने की। सो पहले मैं साविर को स्कूल ड्रॉप करती हूँ, उसका टाइम पहले मेरे से पहले होता है एंड देन उसके बाद मैं खुद स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साविर का जो है उसको ड्रॉप करने के लिए उसको बाहर बुलाया कि चलो अभी चलो स्कूल चलो। तो ही ऑलवेज वॉन्ट्स कि मैं उसको बिल्कुल डोर तक छोड़ के आऊँ। यहाँ से हमारी भाग दौड़ शुरू हो जाती है क्योंकि मेरे पास 5-5 मिनट से भी अगर मैं लेट हो जाऊँ ना अपने स्कूल के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दोनों भाग कर ही जाते हैं ऑलवेज। तो अब बस मनीष मुझे छोड़ने जाएंगे स्कूल। मेरे स्कूल के लिए मेरे घर से जो है ना वो 20 मिनट्स लग जाते हैं पहुँचने में एंड सुबह किसी को भी पसंद नहीं है लेट होना, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि टाइम से टाइम पहुँचे हम लोग। सो बस यहीं पर है हमारा आज का दिन, 5 बजे से 9 बजे तक यही मेरी रूटीन है। आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप लोगों का कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं अपने स्कूल पहुँच चुकी हूँ। सो फाइनल बाय बाय टू एवरीबडी, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।